गाइस वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफर 2.0। सो गाइस यहाँ पर आज हम फिर से एक नया कोकरिकुलर कोर्स हॉलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस यहाँ पर सेमेस्टर वन के अंदर चल रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर, उसके यहाँ पर सिलेबस और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। यह यहाँ पर वीडियो का फर्स्ट पार्ट है हॉलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसके बाद हम यहाँ पर कई और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम पहले यहाँ पर जानेंगे हॉलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस के सिलेबस को और इसके यहाँ पर जो भी यूनिट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, डेप्थ में हमें किन चीज़ों की स्टडी करनी है उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोर्स आउटकम दिख क्या दिया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू इन्हांस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स हेल्थ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड थाट्स इन इफेक्टिंग द बॉडी एंड थर लेवल ऑफ हॉलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस। कुल मिलाकर यहाँ पर इसमें यहाँ पर एक अच्छी जो वेल्थी लाइफ है उसके बारे में और यहाँ पर हैप्पीनेस के बारे में स्टडी करनी है। यहाँ पर कुल मिलाकर यही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। इस तरीके से अपनी यूनिट वन देखेंगे। यूनिट वन क्या है? इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल। यहाँ पर इन सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पर लेना है, हल्की सी नॉलेज यहाँ पर लेनी है इन सारे टॉपिक्स की। यहाँ पर यूनिट वन हमारी इंट्रोडक्शन, उसके अंदर एनर्जी, व्हील्स इन बॉडी, द सेवन चक्रास, इम्पैक्ट ऑफ थॉट्स ऑन बॉडी, स्ट्रेटजीज फॉर हॉलिस्टिक हेल्थ एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल, हैप्पीनेस इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, हेडोसिन एंड यूडोनोमिक हैप्पीनेस। इन सारी चीज़ों की स्टडी करनी है यूनिट वन के अंदर। इस तरीके से यूनिट सेकेंड है हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड पॉजिटिव लिविंग, कॉज ऑफ हैप्पीनेस, हेरिटेबिलिटी हेरिटेबिलिटी पर्सनैलिटी एंड इन्वायरमेंटल बेसिस, स्ट्रेस फ्री लिविंग कॉजेस, सिम्टम्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंगर, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, पावर ऑफ सोल, कंसनेस। यहाँ पर सेकंड यूनिट है। इस तरीके से हमारी थर्ड है एक्सीलेंस लाइफ, इसमें रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस, स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप इन फैमिली लाइफ साइकिल, मैनेजिंग थॉट्स एंड इमोशंस, पॉजिटिव थिंकिंग एंड इट्स बेनिफिट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, EI और गोलेमन मॉडल के बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है। इस तरीके से हमारी यूनिट फोर रहेगी पॉजिटिव चेंज। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा सिलेबस है, यहाँ पर ये जो हॉलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस सिलेब यहाँ पर वो कोकरिकुलर कोर्स चल रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर उसका। तो यहाँ पर आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे आज कुछ। इसके बाद यहाँ पर पार्ट टू आएगा जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज भी हम यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर पहले सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, अब हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जैसा यहाँ पर गिवन है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। उसके बाद हमने सिलेबस को जान लिया कि चार यूनिट्स हैं हमारी और चार यूनिट्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, आपने ये चीज़ जान ली है यहाँ पर। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा और उसको कहीं पर नोट करते चलिएगा या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन गिवन है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ लाइकिंग एंड हॉलिस्टिक एंड ऑल इनकम्पोजिंग इनकम्पाजिंग स्टेट ऑफ माइंड दैट क्रिएट अ इनर हारमोनी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्टेट ऑफ लाइकिंग हॉलिस्टिक और जो हमारा माइंड है उसको यहाँ पर हारमोनी प्रदान करने के लिए, इनर हारमोनी प्रदान करने के लिए हैप्पीनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड लाइंग विथ एजम्पशन वन फॉर वन सेल्फ एज बॉडी एंड लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड नॉट विथ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप। तो ऑप्शन नंबर डी एनिमल कंसाइसनेस, ह्यूमन कंसाइसनेस, हैप्पीनेस, राइट अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एनिमल कंसाइसनेस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर टू का यहाँ पर बी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर टू का डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, एनिमल कंसाइसनेस। फाइव बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन एंड यूनिवर्सल नेचर एंड वर्ल्ड वेरी फेवल ऑल इन कंपोजिंग लीडिंग टू हारमोनी एंड। ऑप्शन नंबर डी रैशनल, रैशनल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट आर द बेसिक डिज़ायर ऑफ एवरी ह्यूमन बींग फॉर देयर फॉर विच दे आर वर्किंग। यहाँ पर बेसिक डिज़ायर क्या होती है किसी भी ह्यूमन बींग की, तो कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इज द बेसिक डिज़ायर ऑफ एनी ह्यूमन बींग। तो जो भी ह्यूमन बींग है जो यहाँ पर अपने लिए काम कर रहे हैं उनकी जो बेसिक डिज़ायर होती है कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हेन वी पार्टिसिपेट इन द ऑर्डर दिस पार्टिसिपेशन एट डिफरेंट लेवल इज नॉन एज अवर वैल्यू। वैल्यूज़ आर आउटकम ऑफ, वैल्यूज़ किसका आउटकम होती है,
रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन विच हेल्प ह्यूमन बींग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एनिमल कंसाइसनेस टू ह्यूमन कंसाइसनेस। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट अंडरस्टैंडिंग। सही अंडरस्टैंडिंग का होना ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, एनिमल कंसाइसनेस से ह्यूमन कंसाइसनेस की ओर आने का। टू मेंटेन हारमोनी वी हैव टू वर्क एट फोर लेवल्स ऑफ लिविंग। आइडेंटिफाई सेकंड लेवल ऑफ लिविंग। सेकंड लेवल ऑफ लिविंग क्या है? फैमिली। टू मेंटेन हारमोनी, हारमोनी को मेंटेन करने के लिए हमें चार लेवल की ज़रूरत होती है, जिसमें से सेकंड लेवल हमारा क्या है कि फैमिली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यार। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ अ प्रोसेस विच हेल्प अस टू फाइंड आउट व्हाट आई एम एंड व्हाट आई रियली वांट टू बी। टू मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन आर ऑप्शन नंबर ए रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर बी नेचुरल एंड वेरिएबल, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूजेस टू मैकेनिज्म। सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो होता है वो तो मैकेनिज्म को यहाँ पर कंसीडर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, समृद्धि मीन्स प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन नंबर सी प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी। व्हाट इज़ द थर्ड लेवल ऑफ लिविंग? थर्ड लेवल ऑफ लिविंग है सोसाइटी। थर्ड लेवल ऑफ लिविंग है सोसाइटी। सेकंड लेवल लिविंग है फैमिली। अभी अपने ऊपर जाना था। डेवलप्ड नेशन आर द लिव एग्जांपल ऑफ, लाइव एग्जांपल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जो डेवलप्ड नेशन है वो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी के लाइव एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग सीन इन द टू फॉर्म्स, किस दो फॉर्म में देखी जाती है? बिहेवियर और वर्क, उनके बिहेवियर और उनके वर्क में यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है ह्यूमन बींग्स का वो देखा जाता है। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, उसका आउटकम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी वैल्यूज़। वैल्यूज़ इज द आउटकम ऑफ रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वी बिकम डैश बाय एक्सप्लोरिंग अवर स्वात्व एंड लिविंग अकॉर्डिंगली, स्वतंत्रता। तो यहाँ पर स्वतंत्रता करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Developed nation are the live example of health, wealth and wisdom. These three terms can be combined to form a single term as prosperous. इन तीनों वर्ल्ड को मिलाकर यहाँ पर जो प्रॉस्परस वर्ल्ड है वो कंप्लीट होता है। जब तक यहाँ पर हेल्थी, वेल्थी और विस्टम नहीं होगी इंसान के पास, तो वो प्रॉस्परस लाइफ नहीं जी सकता है। कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन आर डिज़ायर एंड प्रोग्राम। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कंटेंट क्या है? डिज़ायर एंड प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, वैल्यू एजुकेशन इज़ बिकमिंग इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स नाउ आर डेज बिकॉज वैल्यू एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट टू करेक्ट आइडेंटिफाई अवर एस्पिरेशंस। करेक्ट आइडेंटिफाई अवर एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस को फाइंड करना है यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन का एक पार्ट बन गया है। थ्री रिजल्ट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, टू ऑफ देम आर एज्यूरेंस एंड सेटिस्फेक्शन, फाइंड थर्ड वन। यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सलिटी। टू पर्सन हु आर लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी स्टैंड फॉर साधन विहीन दुखी दरिद्र, साधन विहीन दुखी दरिद्र, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा कठिन वर्ड है तो याद रखिएगा, साधन विहीन दुखी दर्द। द पर्सन हु आर लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। वॉट इज नेसेसरी बट नॉट कम्प्लीट फॉर ह्यूमन बींग्स, फिजिकल फैसिलिटीज, ऑप्शन नंबर बी। वॉट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अवर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हारमोनी एट ऑल लेवल्स ऑफ लिविंग, ऑप्शन नंबर ए राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हारमोनी। वॉट इज द पार्टिसिपेशन एट डिफरेंट लेवल इन द लार्ज ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वैल्यू। वेन वी पार्टिसिपेट इन द लार्ज ऑर्डर दस पार्टिसिपेशन एट डिफरेंट लेवल वर्क अवर वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ लिविंग? फर्स्ट लेवल ऑफ लिविंग क्या है? इंडिविजुअल। तो हमने अब तक तीन लेवल यहाँ पर जान लिया, सेकंड लेवल हमारा फैमिली होता है, फोर्थ लेवल हमारा नेचर होता है, फर्स्ट लेवल हमारा इंडिविजुअल होता है, ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल। ये तो हमें पता ही, सेकंड लेवल ऑफ लिविंग क्या है? फैमिली है। व्हाट इज़ द फोर्थ लेवल ऑफ लिविंग? द फोर्थ लेवल ऑफ लिविंग है नेचर। नेचर जो है हमारा फोर्थ लेवल ऑफ लिविंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। Giving weightage of physical facilities to all the maximization of sensory pleasures to accumulation of wealth is called animal conciseness. So, क्या बोलते हैं? Animal conciseness, ऑप्शन नंबर ए।
व्हाट हेल्प ह्यूमन बींग्स टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एनिमल कंसियसनेस टू ह्यूमन कंसियसनेस, राइट अंडरस्टैंडिंग. व्हाट हेल्प ह्यूमन बींग्स टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एनिमल कंसियसनेस टू ह्यूमन कंसियसनेस, राइट अंडरस्टैंडिंग. ये क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं. हेल्दी वेल्दी एंड विजडम मीन्स प्रॉस्पेरिटी. इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी शब्द कंप्लीट होता है. जब हेल्दी वेल्दी और विजडम आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी शब्द कंप्लीट होता है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. व्हाट इज़ द इमोशनल स्टेट ऑफ बींग हैप्पी. हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर. तो यहाँ पर ये तीनों ही जो स्टेट हैं हैप्पी रहने की ही हैं. तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. वी कैन नो आवर वीकनेस एंड रिमूव दैम बाई डूइंग सेल्फ स्टडी. ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ स्टडी. विथ चेंज अकर इन कंसाइसनेस यूनिट. क्वालिटेटिव चेंज. क्वालिटेटिव चेंज अकर्स इन कंसाइसनेस यूनिट. प्रोग्राम एंड डिजायर आर द कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी ऑप्शन नंबर सी. द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड ऑल डायमेंशन एंड लेवल ऑफ अ ह्यूमन बींग. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड ऑल डायमेंशन एंड लेवल ऑफ ह्यूमन बींग. इफ वी विल मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग देन देयर विल बी म्यूचुअल हैप्पीनेस. तो वहाँ पर क्या होगी, म्यूचुअल हैप्पीनेस होगी. सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अवर इन एंटीनेस एंड मूविंग टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. वॉट इज सेल्फ एक्सप्रेशन, स्वराज्य. सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है, स्वराज्य. सेल्फ एक्सप्रेशन इज स्वराज्य. द वैल्यू एजुकेशन इज द एजुकेशन बाई विच वी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एनिमल कंसाइसनेस टू ह्यूमन कंसाइसनेस. वी नीड टू अंडरगो सेल्फ एक्सप्लोरेशन बिकॉज दीज आर द ऑल ऑफ द रीजन्स. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज वैल्यूबल टू अस. वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अवर रिलेशनशिप. वी वॉन्ट टू अवर पार्टिसिपेशन विद थिंग अराउंड अस. सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ऑल ऑफ दिस. यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. दोनों में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. नेचुरल एक्सेप्टेंस इज वे टू एक्सेप्ट द गुड थिंग्स नेचुरली. नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है कि जो गुड थिंग्स हैं उनको नेचुरली एक्सेप्ट कर लेना. द प्रपोजल शुड बी वेरीफाइड बाय नेचर एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन. 43-42 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन लीड्स टू रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. 43 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा. रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. नेचर एक्सेप्टेंस चेंज विथ नन ऑफ दिस. टाइम के साथ भी नेचर एक्सेप्टेंस नहीं बदलती है. सिचुएशन के साथ भी नहीं बदलती. प्लेस के साथ भी नहीं. नन ऑफ द अबव. हैप्पीनेस में भी डिफाइंड एज. यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. ऑल ऑफ दिस अबव. तो आपको ये तीनों ही यहाँ पर पता होने चाहिए कि हैप्पीनेस कैसे डिफाइंड होती है. वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटीज इज लिविंग विद एनिमल कंसाइसनेस. सिर्फ यहाँ पर फिजिकल फैसिलिटीज के लिए ही वर्क करना जो होता है वो लिविंग एग्जाम्पल है यहाँ पर एनिमल कंसाइसनेस का. राइट लिविंग ऑन संस्कार रिफर्स टू द एबिलिटी टू लिव इन हारमोनी एट इंडिविजुअल फैमिली एंड सोसाइटी ऑल ऑफ द फोर लेवल्स. यहाँ पर जो चारों लेवल होते हैं उनका यहाँ पर जो संस्कार रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ लिविंग हारमोनी एट फोर लेवल. तो यहाँ पर चारों लेवल इसका इस्तेमाल किया जाता है. वैन वी पार्टिसिपेट इन द लार्ज ऑर्डर दिस पार्टिसिपेशन एट डिफरेंट लेवल इज सर वर वैल्यू. ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट. वॉट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ लिविंग. फर्स्ट लेवल ऑफ लिविंग यहाँ पर ऐसा बताया था कि इंडिविजुअल होता है फर्स्ट लेवल ऑफ लिविंग. वॉट इज़ द सेकंड लेवल, फैमिली. सेकंड लेवल हमारा फैमिली. वॉट इज़ द फोर्थ लेवल ऑफ लिविंग, नेचर. सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूजेस टू मैकेनिज्म, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन. क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप. नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन. विद दी मीन्स प्रॉस्पेरिटी. वॉट इज़ द थर्ड लेवल ऑफ लिविंग, सोसाइटी. डेवलप्ड नेशंस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज सीन इन द टू फॉर्म्स, बिहेवियर एंड वर्क. वॉट आर द आउटकम्स ऑफ रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. नंबर बी, वैल्यूज. वी बिकम बाय एक्सप्लोरिंग अवर स्वत्व एंड लिविंग अकॉर्डिंगली. स्वतंत्रता. गिविंग वेटेस्ट फिजिकल फैसिलिटीज टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेंसरी प्लेजर टू एक्युमुलेशन टू वेल्थ इज कॉल्ड एनिमल कंसाइसनेस. वॉट विथ वॉट हेल्प ह्यूमन बींग्स टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एनिमल कंसाइसनेस टू ह्यूमन कंसाइसनेस, राइट अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पर आज हमने पूरे 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. यहाँ पर एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए थे. तो अभी जब पार्ट टू आएगा जिसमें हम और ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक आप नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट के यहाँ पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए.